हालांकि उनको नहीं पता कि जैको मैं सवाल पिया करे ना इन बारे हजूर ने फरमाया ना मदीना तो इल्म वाली उन बाबुहा मैं इल्म दा शहरा अली उनका दरवाजा है उनको नहीं पता कि ए ओ अली है क्या पूछ गिदा ना या अली आप को जेड़ा भी सवाल कीता वजे आप बगैर रुके उनका फौरन जवाब अता फरमे दो इदी वजह क्या है आपने उस सवाल करना लेते सवाल कीते मेरे अली ने फरमाए ए दसा तेरे हाथ दी अंगली कितनी हैं आधे से पांच आधे ते डिठा ही नहीं तहकीक ही नहीं भी की थी ते फौरन मैं को जवाब चली थी आधे या अली देखण दी क्या जरूरत है हर ले मेरा हाथ मेरे नाल है मेरे सामने है मैं को पता है हाथ दी पांच अंगलियां हैं मौला अली ने फरमाए अल्लाहू अकबर मौला अली से ही फरमाए अल्लाह नहीं मैं पूरी कायनात मैं अली के सामने रख छोड़ी है अल्लाह ने या अली अल्लाह ने पूरी कायनात ही में मैं अली के सामने रख छोड़ी है जेड़े ले तुसा सवाल करे दे हो तो मैं को सोचण दी जरूरत नहीं पौंदी तुसा सवाल करे दे हो मेरे सामने कायनात होंदी मैं तो को जवाब दे छोड़ेगा और बल अली ओ हस्ती है अली ओ हस्ती है जिब्रील जदन भी है मेरे हजूर की बारगाह के अंदर जदन भी तशरीफ गिनना है अच्छा हुन इदे तो मुराद ए भी ना गिना है कि नौज बिल्ला हजूर दे इल्म कुल अली दा इल्म ज्यादा है नहीं 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 अली शागिर्द मोहम्मद करीम उन्ना दे उस्ताद है अली इल्म गिनण वाला है हजूर इल्म वंडण वाले है यार अली दी किस्मत तो कुर्बान बन्या आज कोई जेदे वडे मुफ्ती दा शागिर्द में फखर करे ने मैं फुला मुफ्ती दा शागिर्द हां मैं फुला शेखुल हदीस दा शागिर्द हां मोहम्मद करीम दे गुलाम जेड़े हैं अल्लाहु अकबर ओ कदे खुशकिस्मत हैं जिन्ना दा उस्ताद मोहम्मद करीम जी हस्ती है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहम्मद करीम जी हस्ती है अल्लाहु अकबर ओ अली कि जने बारे हजूर ने फरमाया मैं इल्म दा शहरा अली उनका दरवाजा है मेरे अली दे कोल के सवाल कर गिदा अल्लाहु अकबर आ बंद पैन असर दी नमाज ते वक्त बिल्कुल पूरा हो चुका है आके आज मैं ऐसा सवाल करना है अली जवाब अगर देसी लेकिन वक्त गुजर वैसी नमाज अली दी कजा हो वैसी आप ही में जल्दी ना लाने पर अगर मेरे जहन को भुले का ना आवे तो नमाज असर का वक्त है अली में जल्दी देना लाने पर साइल को खड़े सवाल की ते अली ए दसाओ कि केड़े जानवर या परिंदे हैं जेड़े बच्चे देने ते केड़े हैं जेड़े अंडे देने मेरे अली बगैर रुके इवें टुर दी जाते मेरे अली ने फरमाए जेड़े चीजा दे कान होवे ना बारो ओ देने ना बच्चे ते जिन्ना दे कान होवे अंदर ओ देने ना अंडे मेरा अली नमाज पढ़ के वापस आ गए अजन गिणदा खड़े मांज दे कानों दे बारो बाकी भाई हो तो बच्चे रह दिए ते चिड़ी दे कानों ने अंदर ए बाकी अंडे रह दिए अली नमाज पढ़ के वाल लाए मुनाफिक अजन इन गिनती खड़ा करेगा सुभान अल्लाह भाई ओ अली को के सवाल चकित है अल्लाह अकबर अल्लाह तोरा जोक सलामत रखे ओ अली दे को के सवाल चकित है और मैं जड़ी पहले गाल की पिया करे ना बे हजूर दी बारगाह दे विच जनन जिब्रील है हजूर ने अपने गुलामा को पूछे जान दे आवे कौन है हजूर पूछते हैं अपने गुलामा को जान दे वे कौन है एक बार हजूर करीम सारे सहाबा बैत बुखारी शरीफ दी हदीस से पाक सहाबा अर्ज करे ना एक शख्स आए जेड़ा मदीने दा भी नहीं लगदा ते मुसाफिर भी नहीं लगदा कबला जेड़े ले कबर च वैसे उत्था भी हजूर तेरी आके शिफात फरमा सुभान अल्लाह बल कबर च नहीं कल जेड़े ले हशर दे नी मैदान दे विच होसे ना उत्था भी शफात हजूर तेरे वास्ते करनी ओए हजूर तेरे हक च बोलना है बल गुलाम है हजूर दा उम्मती है ते जेड़े ले दरूद दा आखा वजे ता गज वज के पढ़ा कर एक बारी सुनाऊं बा आवाज बुलंद दरूद नबी का घराना सुभान अल्लाह
बड़ी शान वाला नबी का घराना, बड़ी शान वाला है ये आस्ताना, बड़ी शान वाला नबी का घराना, बड़ी शान वाला। खुदा की कसम के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम के कहता हूँ यारो, है ज़ैनब का नाना, बड़ी शान वाला नबी का घराना, बड़ी शान वाला। अल्लाहु अकबर। सादा ईमान और अकीदा है, हजूर में बड़े शान आले, हजूर दे आल भी बड़ी शान आली, लेकिन मैं हिक मंजिल बई तो कुदा सामना चाहना, जेड़े ई घराने दे नाल निस्बत रखे न, जेड़े ताल्लुक रखे न, जेड़े गुलाम ने घराने दे, अल्लाह ने उन्हें को भी बड़िया शान नाल नवाजे, जेड़े हजूर नाल मुहब्बत करें न, हजूर दी आल दे नाल मुहब्बत रखे न, अल्लाह ने उन्हें को बड़िया शान नाल नवाजे। और मैं तो जगह जगह ते ऐलान वदा करे ना, लोगों को दसे ना वदा, जेड़े ई घराने दे नाल मुहब्बत करे न, बल अल्लाह शानिया शाना ऐसिया अता फरमाए, तुर दे ता जमीन ते इन पर कदमा दी आहट जन्नत विच सुनी दी है, बैठे ता जमीन दे उत्ते उनन पर खबरा आसमान दिया रे दिन, बैठे ता जमीन दे उत्ते उनन पर सौदे जन्नत दे करे दिन। इंगलो मियां मैं अर्ज करे ना, जो बहलोल देखा तो बोली ये दुनिया, 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 अली का दीवाना बड़ी शान वाला नबी का घराना, बड़ी शान वाला। बिल्कुल मकता और उसके बाद इजाजत, दोस्तों ना हुक्म भी पूरा हो गया और कुछ प्रोग्राम दे भी थकावट है, अल्लाह तुहाडे ज़ौक को सलामत रखे। दोस्तों बुजुर्गों मैं अर्ज भी करे ना, कायनात के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जेडे दुआ मंगते हैं, अल्लाह साकू बादशाह अता फरमा, वजारता अता फरमा, वजीर बना, मुशीर बना, बादशाह बना, कई लोग दुआ मंगदे अल्लाह पाक का दौलत अता फरमा, कोठियां ते कारा अता फरमा, लेकिन शायर ने जेड़ी दुआ मंगी है आखिर ते आमीन जरूर आखो। शायर दुआ मंगदे परवरदिगारे आलम तेरी बारगाह दे विच बादशाह ने मंगदे, तेरी बारगाह दे विच दुनिया दी दौलत ने मंगदे, परवरदिगारे आलम तेरी बारगाह दे विच बैंक बैलेंस कोठियां दे कारा ने मंगदे, परवरदिगारे आलम जायदाद ने मंगदे, परवरदिगारे आलम बस इतनी इल्तजा है, जेड़े मरो हजूर दा दीदार च नसीब फरमा, ते मदीने दे अंदर कबर च जगह अता फरमा। और मैं हमेशा आदा रह वैना, अगर कोई दुनिया दे अंदर बंदा अपने पीर दे कदमा दे विच सुत्ता पिया होवे, असा दे यार फुला बड़ा खुश किस्मत है मुर्शिद दे कदमा दे विच सुत्ता पे, असा कई बार ये गाल कर बांधे उस मखदूम लाली सैन साहब दे कदमा जो सुत्ते बन बड़े खुश नसीब, हजरत पीर सिवाग लजपाल दे कदमा जेड़े सुत्ते बन वो बड़े खुश नसीब, ख्वाजा गुलाम फरीद के कदमा जो सुते बैन वो बड़े खुश नसीब,
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैह रहमत दे कदमां जो सुते बैठो बड़े खुश नसीब सुल्तान उल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू दे कदमां जो सुते बैठो बड़े खुश नसीब जेडे पीर खैर मुहम्मद शाह साहब दे कदमां सुते बैठो बड़े खुश नसीब किबला पीर नूर जमान शाह साहब अलैह रहमत दे कदमां दे विच जो सुते बैठ बड़े खुश नसीब ते जरा आपने ईमान नाल दसो जेडे हजूर दे कदमां सुते बैठो केड़े खुश नसीब हो सन जेडे हजूर दे रले सुते बैठो केड़े खुश नसीब हो सन अल्लाह अकबर शायर ने मंगी है दुआ अल्लाह कुछ ना मंगदा मदीने दे अंदर मदफन मंगदा या कुछ भी ना मंगदा तेरे को अल्लाह अकबर कौदे जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन तो फिर ठिकाना बड़ी शान वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला है ज़हरा का बाबा शान वाला है हसनैन का नाना बड़ी शान वाला क्योंकि दिन नबी के लिए जहरा के लिए रातें हैं तेरी खिदमत के लिए कैसी कैसी जाते हैं जिनके बच्चों का जिब्रील झुलाए झूला सच तो ये है बड़े घर की बड़ी बातें हैं नबी का घराना बड़ी शान वाला अल्लाह अकबर अल्लाह पाक मेरी हाजरी तुसा सारे दी हाजरी अपनी आली बारगाह दे अंदर मंजूर मकबूल फरमाए और अल्लाह पाक अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले दे नाल अस सारे हजूर दी जात नाल सच्चा सुचा और अपनी जान तो वध के उन्हां नाल इश्क और मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमावे आप दे गुलाम दा अदब आप दे अहल बैत दा मुहब्बत अल्लाह पाक अस सारे को नसीब फरमावे अल्लाह पाक अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल परवरदिगार आलम जो जिक्र अजकार किया गया जो वाजो नसीहत जो नात खानी की गई है मिन जुमला तमाम कलाम दा सवाब और जो कलाम पाक मिल की गया उनका सवाब या अल्लाह तेरी आला बारगाह दे अंदर पेश करें ने मंजूर और मकबूल फरमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदियतन अकीदतन नजरतन तोहफतन पेश करें ने मालिक मंजूर और मकबूल फरमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जलीला नाल कमो पेश 1,24,000 पैगंबरां दे पाक बारगाह में पेश करें ने मंजूर और मकबूल फरमा तमाम अहल बैत अतहार उन्हां दे अज़वाज मुतहरात दे पाक बारगाह दे अंदर पेश करें ने मंजूर और मकबूल फरमा सहाबा किराम दे पाक बारगाह में पेश करें ने मंजूर और मकबूल फरमा ताबीन तब ताबीन गौस कुतुब अब्दाल वली जमी मोमिनीन वल मोमिनात दे रुकू साले सवाब करें ने मालिक मंजूर और मकबूल फरमा पाक कलाम दा सवाब इस महफिल दा सवाब परवरदिगार आलम ये जितने भी हाजरीन हिन मैना चीज समेत जिन्होंने बज्म सजाई हाजरीन हिन सामीन हिन मालिक उन्होंने जिन्होंने रिश्तेदार अजीज व अकारिब जिन्होंने वालदैन वालदैन चु कोई हिक या असद तजा कराम इस दुनिया तो लगे गए मालिक सारे अंदर रू कोई साले सवाब करने मंजूर और मकबूल फरमा खसूसन बिल खसूस पंतर पाक दी बारगाह दे अंदर पेश करने मालिक मंजूर और मकबूल फरमा परवरदिगार आलम हजूर दे जिक्र दे वसीले नाल जो घर हस्पताल उन्होंने को नेक नरीना साले औलाद अता फरमा परवरदिगार आलम बाकी भी काफी सारे दोस्तों ने फोन करके आखा ही दुआ वास्ते ए मुहम्मद सादिक महार और मोहम्मद बशीर दुआ मंगो अल्लाह पाक इन्हों को सेहत भी अता फरमावे और मोहम्मद बशीर दी औलाद वास्ते दुआ आखी गई है
परवरदिगार आलम ते अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद ते पूरी कायनात दे विच पुत्र बंडे हैं। हजूर दी आमद दे वसीले जिन्हां दियां झोलियां खाली ने मेरा मालिक झोलियां आबाद चा फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम जिन्हां को बेटियां अता फरमानी ओ भी तेरी रहमत ते असा उंदे ते भी राजी हैं, लेकिन उन्हां को उन्हां दा वारिस अता फरमा। परवरदिगार आलम महबूब खान साहब को अल्लाह पाक शिफाए कामला आजला अता फरमा, सेहत ना लंबी उम्र अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी बीमार हैं अपने हबीब दे शिफाए कामला आजला अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे वसीले नाल हजूर दे जिक्र दे वसीले नाल मालिक तू दिलां दे राज जाना नाले सब दे दिलां दे नेक जायज मकासद तमन्नावां पूरियां फरमा। परवरदिगार आलम मुबारक फिर रिज़्क, अल्लाहुम्मा बारिक फिर सेहत, अल्लाहुम्मा बारिक फिर इल्म, अल्लाहुम्मा बारिक फिर अमल, अल्लाहुम्मा बारिक फिर उम्र, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतूब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। मालिक मैं नाचीज समेत इन सारे को एक एक कदम ते एक एक साथ ते बेशुमार नेकियां ते रहमत अता फरमा। आमीन। और जिन्होंने ये बज़्म सजाई है परवरदिगार आलम उन्हां दे माल रिस्क जान ईमान औलाद कारोबार इज्जत आबरू दी खैर फरमा बरकत अता फरमा। सारी आवन वाली नस्लों को हजूर दा इश्क हजूर दा अदब और हजूर दी मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार आलम जिमें असा अपने हस्ती दे मुताबिक जितना जानते हैं तेरे हजूर दा इल्म शान जानते हैं मेरा मालिक असा वो पूरी बयान करने की कोशिश करें दे मालिक सारे आवन वाले नस्लों को भी तौफीक करें दे। परवरदिगार आलम इन्हां घरानियां दे नाल मुहब्बत दी इन्हां घरानियां दे नाल अदब दी उन्हां को तौफीक अता फरमावे। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबे खैरी खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अहले बैत अजमईन बि रहमतिका या अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं शेख इम्तियाज तुम्हारे यूट्यूब चैनल देसी मुंडा करोड़ जय भाई सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर गिनो तो मैं वीडियो लेट स्टार्ट की है पहले स्टार्ट ना कर सका आज मौली बिराद आई जलसा जना कल परसों तो उसमें वीडियो शायद देखी हो कमर का फ्रंट कर गया से ऑरेंज कलर का उनका जलसा आई अज उन जलसा खादा से भुगताया से अल्लाह पाक में जलसा मंजूर कबूल करे कबूल मंजूर फरमावे या मंजूर कबूल फरमावे अल्लाह पाक बोल देवे मौलिकों सोने प्यारे हबीब दा सदके। आज दी मैं एक छोटी क्लिप पा रही हूँ वीडियो मौली दे जलसे दा तब तक साको इजाजत रहो अल्लाह हाफिज़।